हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनीज के लिए होने वाली है। जेमिनीज टॉपिक होगा आपकी लव लाइफ का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी कि एक स्टोरी आपकी कैसी रही है और नेक्स्ट लेवल आपके रिलेशनशिप का क्या होगा। क्या कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको खुशियों से भर दे, या आपका रीयूनियन होगा, क्या चीज होगी, ये हम छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से इस वीडियो में चेक करेंगे। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करके ही आप व्हाट्सएप पे आया कीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड है। तो चलिए जेमिनीज, आपकी स्टोरी देखते हैं क्या रही है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मिथुन राशि जो इस वीडियो को देख रही है, उनके रिलेशनशिप की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज एंजल गाइड कीजिए। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप आपका बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ कप का है। जेमिनीज, आपको अपनी लाइफ को खुद ही आगे लेकर जाना पड़ेगा। ये चीज मैं बता दूं, मिथुन राशि काफी ज्यादा परेशानी देखी है मैंने जेमिनीज के रिलेशनशिप में, चाहे वो रिश्ता किसी भी तरीके का हो। काफी लॉयल होते हैं ये अपने रिश्तों को लेके, बट उतनी लॉयल्टी, उतना अपनापन इनको रिश्तों में आगे से नहीं मिलता है। थोड़ा सा और चीजों को क्लियर करते हैं। आपके पास्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, प्रेजेंट के लिए निकाल लेते हैं आपके कार्ड, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। द हर्मिट, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है आपका। जेमिनीज, इसमें हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी ली है, तो आप बहुत ज्यादा पास्ट में मत चले जाइएगा, ना बहुत आगे फ्यूचर में जाइएगा। रीसेंट पास्ट और रीसेंट फ्यूचर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ लगता है कि रिलेशनशिप आपका जो भी है, जैसा भी रहा हो, आपने ईश्वर से यही प्रार्थना करी कि आपके रिलेशनशिप में आपको न्याय मिले, आपके साथ जस्टिस हो, और आप यही चाहते थे कि ये रिश्ता जो है, जिस भी तरीके का रिश्ता है, उसमें आपको बराबरी का दर्जा दिया जाए। पर कहीं कुछ ऐसी चीजें थी कि आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ। आप इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं, यानी कि जस्टिस हो। कुछ लोगों के मामले तो लीगल मैटर की तरफ भी गए होंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि सही बंदे को सही न्याय जरूर मिलता है। वैसे भी ये साल तो शनि का है, और अगर सारे साल शनि के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज बता दूं कि एक न्याय करने वाला जो है वो ईश्वर होता है। और यहाँ एक चीज आपको बहुत सॉलिड तरीके से मैं बताती हूँ कि आप जेमिनीज ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। पास्ट में आपकी जो भी ट्रबल रहा हो, जो भी परेशानी रही हो, उससे आपने पार पाया है। चूंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपने पार पाया है और आप आगे बढ़े हैं।
आप अपने रिश्तों से कहीं ऊपर उठ के आपने जो एक दर्द था, एक तकलीफ थी, उस चीज को आपने दरकिनार करके आपने अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ आप लेके गए हो और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको आगे सेट कर रहे हैं। जेमिनीज का एक चीज मैंने अक्सर देखी है कि रिलेशनशिप में अटक बहुत ज्यादा जाते हैं कि ये रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता है, मैं इसे बहुत प्यार किया, मुझे बदले में वही सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन आपके दूसरी तरफ जो पर्सन है वो आपके रिश्ते को लेके उतना ही ईमानदार हो, उतना लॉयल हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को लेट गो कर देना चाहिए। और अगर आप देख रहे हो कि दूसरा पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है तो ऐसे रिश्ते के पीछे आपने भागना क्यों है, या मुझे लगता था कि आपने काफी वेट भी किसी का किया है कि वो इंसान आपके पास वापिस आ जाए, आपने उस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट दिए, बहुत ज्यादा आपने एफर्ट दिए, लेकिन वो रिश्ता आपके पास वापस नहीं आया। लेकिन ये कार्ड जो है वो थोड़े आपके फाइनेंशियली ग्रोथ को भी बताते हैं, क्योंकि जीवन में एक ही चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आप आगे की तरफ उस चीज से निकल कर बाहर आए। ये कार्ड ये भी बताता है कि उस पेन से निकल कर आप जेमिनीज बाहर आए। इस टाइम पे अगर आपके रिलेशनशिप की हम बात करें तो आप में से कुछ लोग किसी बहुत ही अट्रैक्टिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, यानी कि या तो कोई आपको वॉच कर रहा है या आप किसी को वॉच कर रहे हैं। एक उम्मीद आपने बनाई है कि ये रिलेशनशिप जो है ये आगे बढ़ना ही चाहिए, इसमें ग्रोथ होनी ही चाहिए, इस रिलेशनशिप को पहले रिलेशनशिप की तरह नहीं होना चाहिए, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। और कहीं ना कहीं जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो उस पर्सन को मुझे लगता है कि आपके साथ हो सकता है वो काम करते हो, आपके वर्क प्लेस में हो और किसी तरीके से काम को लेके आप उस पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। वो पर्सन आपसे बड़े भी हो सकते हैं एज में, एक मैच्योर एनर्जी उनकी हो सकती है, फाइनेंशियली वो काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, और एक चीज और बताऊं कि वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं, यानी कि वो अपनी बात को जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, थोड़ा सा स्पेस बना के रखने वाले वो पर्सन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, लविंग केयरिंग होंगे और साथ ही साथ में इस रिश्ते को मैं एक चीज ये कहूंगी कि ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ जो है जाना चाहिए। आपका प्रेजेंट में जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है रिलेशनशिप को लेके, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी ऐसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक पर्सन के साथ में मेरी आए, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप तो बहुत ज्यादा जेमिनीज, एक तरह से कहा जाए कि लॉयल्टी में जेमिनीज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, वो बात बुरी जरूर लगती है लेकिन जिसको प्यार करते हैं दिल से करते हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। लेकिन वो पर्सन जो है वो मैच्योर एनर्जी वाले पर्सन है, सिंगल पर्सन हो सकते हैं और अपने स्पेस को बने देना चाहेंगे। आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे कोई काम नहीं करा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। फ्यूचर में थोड़ा सा रीसेंट फ्यूचर लीजिएगा, थोड़ा सा संभल के रहने की आपको जेमिनीज जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप रिश्तों में इतना ज्यादा उलझने की कोशिश करें कि पहले की तरह फिर से आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचे, धोखा पहुंचे, उस चीज से आपको बचकर रहना है। काफी समझ आपके अंदर भी आ गई है, भले ही आपने हर चीज की एक न्यू शुरुआत करी पर उसमें भी कंपटीशन बहुत है। जिस रिश्ते में आप जाने के बारे में सोच रहे हैं उस रिश्ते में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि एक बंदे के पीछे 10 लोग हैं, अगर कोई तीसरा बंदा भी है तो उसे कंपटीशन ही कहेंगे, यानी कि चयन की प्रक्रिया। ये चयन आपके लाइफ में भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग आपके पास आए, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी फैमिली या उधर से कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके उसे बिगाड़ने की भरकस कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई आपको चीट कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। जेमिनीज, इस सब चीजों से आपको पार पाना होगा। जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ बहुत ज्यादा बुरा ही हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने रिश्तों को लेकर स्ट्रगल जरूर किया है
और अब आपको संभलना चाहिए। इस समय आप जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, अदरवाइज कोई ना कोई बंदा आपके रिश्ते को काफी ज्यादा तकलीफ देगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट का रिश्ता जो है वो, जिसको आप बड़ी मुश्किल से आप यहाँ तक लेकर आए हैं, वो रिश्ता आपको छोड़ कर जाए या आप ही उस रिश्ते को क्लोज कर दें, आपको ऐसा लगे कि अब मैं और धोखा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ कार्ड हैं जो मुझे लग रहे हैं कि मुझे उनको क्लियर करना चाहिए। मैंने इन कार्ड्स को क्लियर करना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, फाइव ऑफ पेंट्स को क्लियर कीजिए। देखिए, फाइव ऑफ पेंट्स को क्लियर किया, डेथ का कार्ड आया, यानी कि कुछ चीजों का अंत होने जा रहा है, कुछ चीजें खत्म होंगी आपकी लाइफ में जेमिनीज, और उनकी एक नई शुरुआत होगी। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए, प्लीज डिवाइन टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया तो टेन ऑफ वेंड्स आया, यानी कि आप बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं जेमिनीज, और रिश्ते जो हैं वो बोझ नहीं होने चाहिए, रिश्ते जो हैं वो स्ट्रेंथ होने चाहिए। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई रिश्ता, बाहरी रिश्ता बोल रही हूँ, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रही हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको उठानी ही पड़ेगी, वो कोई और नहीं उठाएगा। कुछ जेमिनीज मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। डिवाइन गाइडेंस कार्ड निकालते हैं जेमिनीज। आप उस दर्द से तो पार पा ही जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे तो एक दुख का अंत होता ही है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए जेमिनीज को आगे क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जेमिनीज में बहुत परेशान रहती हूँ कि आपके इस टाइप के कार्ड आते हैं, नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है, किसी न किसी चीज का आपकी लाइफ में अंत होने वाला है, दुख का अंत होने वाला है। जितना आप प्रिटेंड कर रहे हो, जितना आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है, ईश्वर साथ जरूर देते हैं। अगर इस समय आप प्रॉब्लम में हैं तो आगे डेफिनेटली आपकी चीजें अच्छी आएंगी। आप इस टाइम पे सोचिए कि जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें कमियां आपकी तरफ से कितनी रह गई, और जो कमियां हैं उसको दूर करिए, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें बैठे रहना नहीं चाहिए। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि परेशानियों में हिम्मत आप मत हारिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि तकलीफें बहुत हैं। उसके बाद टेन ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है, यानी कि तकलीफ के बाद जो है वो चीजों का बिल्कुल अंत आ जाता है, और अंत के बाद जो है वो शुरुआत होती है। तो मुझे जो ऑल ओवर इस रीडिंग की मैं बात करूं, उसका निष्कर्ष ये निकला है कि आप किसी बहुत बड़ी तकलीफ से आगे पार पा जाएंगे, उस दर्द से दुख से आप निकल जाएंगे। वेटिंग मोड आपका स्टार्टिंग से मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई, उसमें आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया, दोनों तरफ से आप देखते रहे कि मुझे हर चीज़ मैनेज करनी है, मैनेज करते करते आप यहाँ तक आए, और यहाँ से आपका तकलीफों का जो है अंत होगा। हाँ ठीक है, दुख जरूर लगता है, लेकिन हमारे अगर तकलीफ है किसी भी चीज़ में, कहते हैं ना शरीर के किसी अंग में अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए, और उस चीज़ में इलाज करते वक्त हमें दर्द जरूर होता है इलाज करते वक्त, लेकिन आगे चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। उस ईश्वर की आपको यही गाइडेंस है कि बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए, जरूरत से ज्यादा मन किसी चीज में मत लगाइए, किसी रिश्ते में मत लगाइए, डिपेंड मत होइए किसी रिश्ते के ऊपर, तभी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में आगे सही होंगी। तो ये रीडिंग आपके साथ कितनी मैच करी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।